मैं सीए आनंद बारकुते आज आपको रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट महारेरा के बारे में समझाता हूँ। महारेरा यानी महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, इसका जो सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 है रजिस्ट्रेशन के बारे में ये कहता है, नो प्रमोटर शेल एडवर्टाइज मार्केट बुक सेल और ऑफर फॉर सेल और इन्वाइट पर्सन टू परचेस इन एनी मैनर एनी प्लॉट अपार्टमेंट और बिल्डिंग एज द केस में बी इन एनी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट और पार्ट ऑफ इट इन एनी प्लानिंग एरिया विदाउट रजिस्टरिंग द रियल इस्टेट प्रोजेक्ट विद द रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब यह है कि कोई भी रियल इस्टेट का प्रोजेक्ट, चाहे वो प्लॉटिंग प्रोजेक्ट हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, आपको अगर उसके अंदर कोई बुकिंग लेनी है, सेल करना है, ऑफर फॉर सेल करना है, लोगों को इनवाइट करना है, जो भी इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी करना है, तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन पहले रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास करना पड़ेगा। और अगर ये रजिस्ट्रेशन आप नहीं करते हैं तो सेक्शन 59 पेनल्टी प्रोविजंस इन्वोक हो जाएगी। अब सेक्शन 59 क्या कहता है देखिए, सेक्शन 59, इफ एनी प्रमोटर कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 he shall be liable to penalty which may extend up to 10% of the estimated cost of the real estate project as determined by the authority. If the promoter does not comply with the orders, decisions or directions issued under subsection 1 or continues to violate the provisions of section 3, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend up to 3 years or with fine which may extend up to a further 10% of a estimated cost of real estate project or with both. इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अगर सेक्शन 3 जिसमें रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, अगर कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन किए बिना अगर हम उसका मार्केटिंग करते हैं, बुकिंग लेते हैं, सेल करते हैं या कुछ भी और करते हैं, यानी अगर सेक्शन 3 वायोलेट होता है रियल महारेरा एक्ट का, तो ये जो सेक्शन 59 है ये कहता है कि पेनल्टी टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट ये लग सकती है। इसके अलावा सेक्शन 59 सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ये कॉन्ट्रावेंशन अगर कंटिन्यू रहता है, यानी रजिस्ट्रेशन नहीं करने का ये जो आपने जो बिहेवियर किया है ये कंटिन्यू रहता है, तो फर्दर 10% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट का पेनल्टी भी आपको लग सकता है। इसके अलावा 3 साल का इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। इसलिए हम लोग ये सजेस्ट करेंगे कि आप कोई भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट कर रहे हो तो ये देखे कि वो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट 5000 स्क्वायर फुट से ज्यादा प्लॉट पे बना है या 8 फ्लैट से ज्यादा फ्लैट्स आप उसमें निकाल रहे हो, तो उसका रजिस्ट्रेशन महारेरा के अंदर करना आपके लिए जरूरी है। और हम ये सजेस्ट करेंगे कि ये रजिस्ट्रेशन आप जितने जल्दी हो सके उतना कीजिए टू अवॉइड पेनल्टीज एंड इम्प्रिजनमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।